मैं हूं आशिकीन कुरेशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात पालिका चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज की। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और सफाई व्यवस्था को लेकर चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज ने अपने अधीनस्थों की बैठक ली। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज ने कहा कि जनहित के कार्यों में कोई भी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही न बरते। चेयरमैन ने मौके पर मौजूद कई पालिका कर्मियों को फटकार भी लगाई। अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार रस्तोगी ने कहा कि चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज से मिले दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन कराया जाएगा। इस मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी एस के निगम, यूनुस कुरेशी, शमशाद इकबाल सहित बहुत से लोग मौजूद थे। आज आपने अपने अधीनस्थों की बैठक ली है, वो किस विषय को लेकर की थी बताएं? जो बैठक हुई है वो जन्म मृत्यु से संबंधित सर्टिफिकेट के लिए हुई थी और साथ ही इसमें सफाई व्यवस्था के लिए भी ले लिया गया था। तो जो अध्यक्ष महोदय के आदेश हैं उसका सब प्रसव पालन किया जाएगा और आम जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके जो भी कहीं किसी शिकायत आएगी हम लोग उसका निस्तारण करेंगे और चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में काम कर किया जाएगा। लाभार्थी को एप्लीकेशन देना पड़ती है यदि लाभार्थी है मौके पर, और यदि नहीं है तो उसका विभाग एप्लीकेशन देता है। यदि एक साल से ज़्यादा का समय हो गया है, चाहे वो जन्म हो या मृत्यु हो, तो मजिस्ट्रेट को यानी एसडीएम साहब को एप्लीकेशन वो देते हैं, और एक साल के अंदर की यदि ये प्रक्रिया है तो उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वो एप्लीकेशन देते हैं, और विद इन 21 डेज के अंदर की यदि ये जन्म या मृत्यु की कोई प्रक्रिया है तो उसको सीधा नगर स्वास्थ्य अधिकारी या चेयरमैन या ईओ साहब को एप्लीकेशन दे करके वो अपनी बात कहते हैं। और इसकी हम अपने स्तर से यदि 21 दिन के अंदर उसका जन्म हुआ है तो तुरंत नगर पालिका में उसका पंजीकरण कर लिया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है अमरोहा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज। आज उन्होंने नगर पालिका परिषद के कंपाउंड में अपने अधीनस्थों की बैठक ली। सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है, इस बारे में हमने बात की चेयरमैन अफसर परवेज से, आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। आज आपने अपने अधीनस्थों की बैठक ली है और सफाई व्यवस्था से आम जनता दुखी है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आज की जो बैठक है वो सफाई व्यवस्था से मुतालिक ज़्यादा नहीं है जी, बल्कि जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे साथ जारी किए जाते हैं जो नेट से अब निकाले जाते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन नगर पालिका से होता है, इंद्राज नगर पालिका में होता है। इस सिलसिले में हमें काफ़ी शिकायतें मिल रही थी और उसको गंभीरता से लेते हुए, जो शहर की आवाम परेशान ना हो, हम जल्द से जल्द उनको रिलीफ कैसे दे सकते हैं या उनका सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बन जाए उसके लिए क्या तरीके अपना सकते हैं, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। हमारे बीच हमारे ईओ साहब और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद हैं और हमारे तमाम सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और स्टाफ मौजूद है। सफाई व्यवस्था में तो हमने काफ़ी सुधार करने की कोशिश की है और उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। इसलिए जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का जो एक सिस्टम अब शासन आदेश के मुताबिक अब ऑनलाइन कर दिया गया है, तो नगरपालिका से होने वाले तमाम काम जल्द हों और आने वाले लोग परेशान होकर न जाएं, उस क्रम में हम लोगों ने आज की मीटिंग आयोजित की है। साथ ही सफाई व्यवस्था से मुतालिक हमारे तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और इसमें हमने सरसरी तौर पर इसको भी आज कंसीडर किया है कि सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि पहले से मुकाबले में अब हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन और इससे बेहतर हो, इंटीरियर में जो गंदगी है वो भी इनकी नज़रों के सामने आए और उसका समाधान होना चाहिए। और उस क्रम में हमने जो वाहन प्रोवाइड किए हैं या ज़मीन प्रोवाइड की है या जो हमारे ईओ साहब बराबर उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके पीछे एक मकसद है कि सफाई जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है और जो बीमारियों से हमें रोकती है और जो मच्छर और तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत होती है, उस क्रम में हमारे ईओ साहब और तमाम सैनिट इंस्पेक्टर्स को इस बारे में निर्देश किया गया है कि इसमें कोई लापरवाही न की जाए। अक्सर देखा जाता है कि सफाई निरीक्षकों और सफाई नायकों के लेवल पर वो लापरवाही बरतते हैं, ऐसे लापरवाह कर्मियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, लापरवाह कर्मियों के खिलाफ तो हमेशा कार्रवाई होती रही है और आइंदा भी अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो हम उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि शहर को स्वस्थ और स्वच्छ रखना नगर पालिका की जिम्मेदारी है और उसमें कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी कर्मचारी अगर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ हमेशा से कार्रवाई होती है। ऑनलाइन प्रक्रिया हुई है, अगर उस ऑनलाइन प्रक्रिया का किसी भी आम जनता को उसका फ़ायदा उठाना हो तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि वो सिस्टम नगर पालिका से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पहले वो उसकी एप्लीकेशन आएगी, उसके बाद जाँच होगी,
अगरचे वो हमारे यहाँ दर्ज है तो फौरन उसको स्लिप मिल जाती है आमतौर पर, लेकिन अगर दर्ज नहीं है तो वो बाई एफिडेविट या जांच के बाद उसको दर्ज किया जाता है। नगर पालिका तो इस बात का वेरिफिकेशन कराती है कि ये शख्स हमारे यहाँ इंदिराज है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली जाती है, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन नगर पालिका से करा कर उसको सर्टिफिकेट जारी होता है। तो ये भी एक अच्छाई है क्योंकि ऑनलाइन करने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और जो एक अनियमितताएँ जो सामने आती थी उसमें वो अनियमितताएँ नहीं आएंगी और जो डुप्लीकेसी या फॉर्जरी सामने आती थी उससे महफूज करने के लिए ये ऑनलाइन कराने की सरकार की मंशा है। इधर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज जो कि दावा कर रहे हैं कि जनता की हर समस्या का निस्तारण त्वरित गति से किया जाएगा। कैमरा पर्सन वानिस मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN7।